हेलो फ्रेंड्स आज से मैं न्यू जोन की इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाली हूं जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लोड को जरूर कम करेगा इसी के साथ स्पिरिचुअल जोन की वीडियोस अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो मैंने फुल प्लेलिस्ट बनाई हुई है आप विजिट कर सकते हैं एआई से कैसे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ईजी बना सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कम्पोनेट आज हम जानने वाले हैं साथ ही साथ इसके कई फायदे हम देखने वाले हैं सो लेट स्टार्ट द वीडियो ए आई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसे फील्ड को रिप्रेजेंट करता है जो कंप्यूटर सिस्टम्स को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस और कॉग्नेटिव फंक्शंस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह सोचने लगता है और ह्यूमंस की तरह ही वर्क करने लग जाता है इसमें मशीन को समझने सीखने सोचने और साथ ही साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने और डिसीजन मेकिंग करने की काफी अच्छी खासी क्षमता हो जाती है चलिए अब हम ए के कुछ मेन कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहला है मशीन लर्निंग ये ए का एक सब फील्ड है जो एल्गोरिदम्स और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का यूज करता है जिससे कि मशीन डेटा से सीखते हैं और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं इसमें सुपरवाइज अनसुपरवाइज और री लर्निंग शामिल होती है सेकेंड है डीप लर्निंग डीप लर्निंग एक स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग है जो न्यूरल नेटवर्क के साथ काम करता है ये मल्टीपल लेयर्स के न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है जिसे डीप न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं इसमें इमेज रिकॉग्निशन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और पैटर्न रिकॉग्निशन में काफ़ी सक्सेसफुल एप्लीकेशन होते हैं थर्ड है नेचुरल लैंग्वेज लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि को को ह्यूमन समझाने और उसमें कम्युनिकेट करने की क्षमता देती है इसका इस्तेमाल टेक्स्ट एनालिसिस लैंग्वेज ट्रांसलेशन चैट और वॉइस रिकॉग्निशन में होता है अब हम देखेंगे एआई के बेनिफिट्स क्या क्या फायदे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के देखो सबसे पहला तो है आपके काम में आसानी देखो ए आई का इस्तेमाल करके रेपिटेटिव और कॉम्प्लेक्स टास्क को ऑटोमेट किया जा सकता है जिससे कि काम की स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाती है आपके पास कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स टास्क है लाइक मान लीजिए आपको किसी प्रोजेक्ट में वर्क करना है जिसमें आपको काफी ज्यादा रिसर्च करनी है काफी ज्यादा आपको मटेरियल चाहिए कुछ भी चाहिए तो आप ए आई की हेल्प ले सकते हैं सेकेंड है रिसर्च वर्क भी आप ए आई की हेल्प से अच्छी तरीके से कर सकते हैं कोई भी ई मेल राइटिंग फॉर्मेट हो या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपके पास समय कम है और

नेक्स्ट है पर्सनलाइजेशन और रिकेमेंडेशन एआई के एल्गोरिदम यूजर्स प्रेफरेंसेस को एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देते हैं जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग में कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया नेटवर्क्स में ठीक है तो जैसे कि मान लीजिए आप एक कंटेंट क्रिएटर है आप कॉन्टेंट देते हैं फिर चाहे वो यूट्यूब में हो या कहीं पर भी हो तो आप क्या कर सकते हैं अच्छे अच्छे की सर्च कर सकते हैं ए की हेल्प से साथ ही साथ टैग सर्च कर सकते हैं बहुत कुछ आप रिसर्च जो है ए की हेल्प से कर सकते हैं ठीक है जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस और प्रोडिक्शन ये एक अच्छा पॉइंट है ए की हेल्प से लार्ज वॉल्यूम डेटा को एनालाइज किया जा सकता है और इससे फ्यूचर ट्रेंड्स और पैटर्न सकते हैं सो so, काफी सारे एक्सपर्ट्स ए से इस तरीके के फायदे लेते रहते हैं सो फ्रेंड्स ए के फायदे तो बहुत हैं लेकिन इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी इसमें होते हैं जैसे कि डेटा प्राइवेसी बायस इन एलगोरिज्म और जॉब डिस्प्लेसमेंट इसलिए जरूरी है कि ए का यूज बिल्कुल सोशल एथिकल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर ही किया जाए ताकि इसके फायदे पूरी तरीके से उठाए जा सके और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट से बचा जा सके सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो हेल्पफुल लगा हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टेल दन बाय टेक केयर